आप सभी बालक और बालिकाओं का रिदम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमने बायो का 5th चैप्टर तक पढ़ लिया है। आज हम बायो का 6th चैप्टर खरीफ की फसल के रोग पढ़ेंगे। हम इसमें जो भी खरीफ की जो फसल होती है उनमें जो रोग लगते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। खरीफ की फसल जैसे कि बाजरा, मूंगफली और कपास, इन फसलों में जो भी रोग लगते हैं उन फसलों के बारे में हम पढ़ेंगे और उनका नियंत्रण पढ़ेंगे। बाजरे का मृदुलोमिल आसिता रोग। बाजरे कैसी फसल है? खरीफ की फसल है तो हम इसके रोग पढ़ेंगे। इसका रोग है मृदुलोमिल आसिता रोग। इसको हरित पाली रोग भी कहते हैं। जो बाजरे का मृदुलोमिल आसिता रोग है उस रोग को हरित पाली रोग भी कहते हैं। इसे स्थानीय भाषा में जोगिया रोग कहते हैं। इसे भारत में सर्वप्रथम 1907 में देखा गया। जो मृदुलोमिल आसिता रोग है बाजरे का, उसको भारत में 1907 में देखा गया। इसके लक्षण, इसमें दो अवस्थाओं में लक्षण अवस्थाएं होती है। इसमें लक्षणों की दो अवस्थाएं बनती है, एक तो मृदुलोमिल आसिता अवस्था, दूसरी हरित बाली अवस्था। तो पहली क्या है? मृदुलोमिल आसिता अवस्था। इस अवस्था में लक्षण पत्तियों पर दिखाई देते हैं। जो मृदुलोमिल आसिता अवस्था होती है उस पर लक्षण जो बाजरे की पत्तियाँ होती है ना उस पर दिखाई देते हैं। इसका रोगकारक सभी स्थानों पर सक्रिय रहता है। इसके कारण पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। ठीक है, बाजरे का मृदुलोमिल आसिता रोग होगा तो हम इसको पता कैसे लगाएंगे कि इस फसल में ऐसे रोग हुए हैं? तो एक तो पत्तियाँ पीली पड़ जाएगी और जिसका रोगजनक होगा वो क्या होगा, सभी स्थानों पर सक्रिय रहेगा। और ये लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं? अधिकतर पत्तियों पे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इस फसल में क्या है, बाजरे का मृदुलोमिल आसिता रोग है। अब दूसरी अवस्था है कि हरित बाली अवस्था। यह पुष्प क्रम को प्रभावित करते हैं। जो हरित बाली अवस्था होती है वो क्या पुष्प क्रम को प्रभावित करती है। यह बाजरे की बालियों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। अब बाजरे का मृदुलोमिल आसिता रोग का रोग कारक कौन है? तो यह कवक के द्वारा होता है। कवक का नाम क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनी कोला। इस कवक के कारण बाजरे में ये रोग होता है। अब रोग हो गया तो उसका प्रबंधन क्या करें? तो शस्य प्रबंधन, स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, गर्मियों के दिनों में गहरी जुताई करनी चाहिए। खेत सभी अवशेषों को एकत्रित करके जला देना चाहिए। खेत में जो फसल की कटाई के बाद जो भी अवशेष बच जाते हैं उन सभी को एकत्रित करके क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए। जैविक प्रबंधन, प्रतिरोधी किस्में जैसे कि पूसा मोती, पूसा 23, सीडी 171, ये सभी के प्रतिरोधी किस्में हैं। किसके प्रति प्रतिरोधी होती है? ये जो बाजरे का मृदुलोमिल आसिता रोग है उसके प्रति ये किस्में प्रतिरोधी होती हैं। मतलब इन किस्मों पे इस रोग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो हमें इन किस्मों को उपयोग करना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन, मैटर लैक्रिजल मैनकोजेब का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला रोग। अब दूसरा है बाजरे का अर्गट रोग या चेपा रोग। यह स्क्लेरोसियम कवक द्वारा होता है। ये जो ये रोग है वह स्क्लेरोसियम कवक है उसके द्वारा होता है। यह कवक बाजरे के ऊपर काले धब्बे कर देते हैं। स्क्लेरोसियम कवक के द्वारा क्या होता है? बाजरे के ऊपर काले धब्बे हो जाते हैं। लक्षण, इसके लक्षण पुष्प अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। इसके लक्षण दो भागों में बटे होते हैं। जो बाजरे का अर्गट और चेपा रोग है उसके लक्षण भी कैसे होते हैं? दो अवस्थाओं में बटे होते हैं। तो पहला तो मृदु बिंदु अवस्था। इस अवस्था में छोटे छोटे गुलाबी व शहद नुमा बूंदे बालियों पर दिखाई देती है। देखो हमें पता चल रहा है मधु, मधु मतलब क्या होता है? शहद। तो इस अवस्था में क्या होता है? छोटे छोटे बूंदे गुलाबी व शहद नुमा हमें बाली पर दिखाई देती है तथा इसके बाद ही निचले सिले पर आ जाती है। पहले तो ये कहाँ दिखाई देती है? शहद नुमा बूंदे बाली पर दिखाई देती है, उसके बाद ही निचले हिस्से पर आ जाती है। ठीक है, पहला लक्षण हो गया ये मधुबिंदु अवस्था। दूसरा है स्क्लेरोसिया अवस्था। यह अवस्था प्रथम अवस्था के 10 दिन पश्चात आती है। मतलब जब भी मृदुबिंदु अवस्था होगी तो उस अवस्था के 10 दिन पश्चात आएगी स्क्लेरोसिया अवस्था। इसमें बालियों पर काले काले रंग के स्क्लेरोसिया बन जाते हैं। ठीक है, जो बाली होती है उस पर काले काले रंग के स्क्लेरोसिया बन जाते हैं, स्क्लेरोसिया बन जाते हैं। इसका रोगजनक क्या है? क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। यह मृदा जनित होता है। अब वो ये किसका भी प्रबंधन देखेंगे कि अगर ये हो गया है तो हमें क्या उपचार करने चाहिए, इसके क्या प्रबंधन करने चाहिए। तो शस्य प्रबंधन, ग्रीष्मकालीन में गहरी जुताई करनी चाहिए। स्क्लेरोसिया मुक्त बीज की बुआई से उपयोग में लेना चाहिए। अगेती बुआई करनी चाहिए, मतलब हमें फसल की क्या जल्दी बुआई कर लेनी चाहिए जिससे जो फसल है वो इन रोग को सहने के उसमें क्या आ जाए,
प्रतिरोधी मतलब इनमें क्षमता आ जाए, अगर क्योंकि वो फसल बड़ी हो जाएगी तो इस रोग से उसको बचाव के लिए वो अपना बचाव कर सकती हैं। जैविक प्रबंधन वो ये इसमें प्रतिरोधी किस्में कि ऐसी किस्में जो कि है ना बाजरे के अर्गट रोग के लिए प्रतिरोधी हो उसको उपचार उसका उपयोग करना चाहिए, जैसे कि पूसा 23 WCC 75। रासायनिक प्रबंधन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.25% और कार्बेंडाजिम का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, अब अगला है कपास का मलानी रोग। इस रोग को मुरझान रोग के नाम से भी जाना जाता है, कपास के मलानी रोग को मुरझान रोग के नाम से भी जाना जाता है। कपास उगाने वाले क्षेत्रों में यह रोग पाया जाता है। यह रोग काली मिट्टी में ज़्यादा उत्पन्न होता है। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। तो ये जो रोग भी होता है वो काली मिट्टी में ज़्यादा होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? यह खेत में छोटे छोटे जगहों पर प्रकट होता है। ये जो मलानी रोग है ना वो क्या खेत में छोटे छोटे स्थानों पर पहले प्रकट होगा, इसके कारण पौधे मुरझा जाते हैं। देखो नाम से इसका दूसरा नाम क्या था? मुरझान रोग। तो नाम से पता चल रहा है हमें कि क्या होगा, जो पौधा होगा वो मुरझा जाएगा और मुरझाने के बाद पत्तियां धीरे धीरे सूख जाएगी, इसके कारण तने पर धारियां नज़र आती है। ठीक है, इसका रोगजनक है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। प्रबंधन तो स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए, फसल अवशेष को जला देना चाहिए। सब में सस्य प्रबंधन एक जैसे करना चाहिए कि है ना हमें पहले अगेती बुआई कर दो, ग्रीष्मकालीन में गहरी जुताई कर दो, जो भी फसल के कटने के बाद अवशेष बचते हैं उनको जला दो, फसल चक्र अपनाओ। फसल चक्र मतलब एक के बाद मतलब जैसे कि गेहूं बो दी तो उसके बाद अलग फसल बो, एक के बाद एक फसल ही नहीं बोनी चाहिए। ठीक है, फसल चक्र अपनाना चाहिए। इसके उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा कल्चर से बुआई करनी चाहिए। प्रतिरोधी किस्में जयाधार, जहरीला मोती, विजय हिसार। अब इसका रासायनिक प्रबंधन कार्बेंडाजिम का छिड़काव इसमें हमें करना चाहिए। अब अगला है मूंगफली का टीका रोग, इसको पंचित्ती रोग भी कहते हैं। यह सभी देशों में पाया जाता है। जो मूंगफली का टीका रोग है वो सभी देशों में पाया जाता है। इसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है। मूंगफली का अगर फसल में टीका रोग हो जाता है तो क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कम हो जाती है और उपज 25% घट जाती है। लक्षण रोग प्रकट होने के समय ये दो भागों में बढ़ जाता है, अगेती पत्ती धब्बा रोग और पचेती पत्ती धब्बा रोग। ठीक है, अब भद्दे उत्पन्न होने का समय, अगेती में क्या होगा, अगेती मतलब क्या होगा, पहले तो इसमें जो लक्षण होते हैं वो जल्दी प्रकट हो जाते हैं, 3 से 4 सप्ताह में प्रकट हो जाते हैं, और पचेती में 4 से 6 सप्ताह में लक्षण प्रकट होते हैं। धब्बों का आकार अगेती में तो अनियमित रहता है और पचेती में गोलाकार धब्बे दिखाई देते हैं। रंग, अगर अगेती पत्ती धब्बा रोग हो रहा है तो उसमें जो रंग होगा वो काले भूरे रंग का होगा और पचेती में काले धब्बे होंगे। हानिकारक प्रभाव, तो अगेती में तो कम होता है और पचेती में ज़्यादा होता है। अगेती पत्ती धब्बा रोग का रोग कारक है स्क्लेरो एरिडिकोला स्क्लेरोस्पोरा। ठीक है, स्क्लेरोस्पोरा एरिडिकोला इसका रोग कारक है और इसका है सर्कोस्पोडियम पर्सोनेटम। पचेती का जो है रोग कारक वो क्या है, सर्कोस्पोडियम पर्सोनेटम। अब इसका प्रबंधन वो ये स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए, अगेती बुआई करनी चाहिए। अगेती बुआई इसमें क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हम अगेती बोएंगे तो उसमें क्या होगा, हानिकारक क्या होगा, कम होगा। अगर हमने अगेती बुआई कर दी तो क्या होगा, हानिकारक कम होगा। जैविक प्रबंधन वही प्रतिरोधी किस्में VRI3 और ICGS10। रासायनिक प्रबंधन थायरम को उपयोग करना चाहिए, क्लोरोथैनेनिल का 0.2% को उपयोग करना चाहिए। अब है मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग। विषाणु गुच्छा रोग है तो किसके द्वारा होगा, विषाणु के द्वारा होगा। ये मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि में होता है। लक्षण, ये बुआई के 1 माह के बाद प्रकट होता है। जो मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग है, हमने मूंगफली की बुआई कर दी तो ये 1 माह के बाद प्रकट होगा। यह खेत के चक्तों के रूप में दिखाई देता है तथा धीरे धीरे रूप खेत में फैल जाता है। मतलब पहले क्या होगा, तो चक्तों के रूप में दिखाई देगा, पहले ये जो मूंगफली का विषाणु रोग है पहले चक्तों के रूप में खेत में दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे पूरे खेत में ये फैल जाता है। इसमें फूल तो आते हैं लेकिन परागण की क्रिया नहीं होती। ये इम्पॉर्टेंट है कि
क्योंकि क्या होता है कि मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग होता है तो इसमें फूल तो आते हैं लेकिन परागण की क्रिया नहीं होती। इसमें पत्तियों का आकार, पत्तियाँ जो होती है आकार में छोटी रह जाती है और चितकबरी हो जाती है। अब इसका रोग कारक क्या है, इंडियन पिनट क्लम्प वायरस। इसमें आनुवांशिक पदार्थ SSRNA होता है। अब इसके प्रबंधन, तो शस्य प्रबंधन, उपचारित बीजों का उपयोग करना चाहिए, गर्मियों में गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि विषाणु मर जाएं और खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन, कार्बेंडाजिम को उपयोग करना चाहिए और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब है कपास का जीवाणु अंगमारी रोग। इसे काली भुजा रोग के नाम से भी जाना जाता है। कपास काली मिट्टी में अधिक लगती है तो ऐसे याद रख लेना कि इसे काली भुजा रोग के नाम से भी जाना जाता है। लक्षण क्या है, यह रोग जड़ के अलावा हर जगह हो जाते हैं। जो कपास का जीवाणु अंगमारी रोग है वो जड़ के अलावा हर जगह फैल जाता है। इसके आधार पर इसे चार अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था है अगेती जीवाणु रोग। इसमें नवजात पौधों में भूरे काले धब्बे पड़ जाते हैं और पौधा मुरझा जाता है। अगेती जीवाणु रोग में क्या होता है, जो नवजात पौधे होते हैं उसमें भूरे धब्बे पड़ जाते हैं और जो पौधा होता है वो मुरझा जाता है। कोणीय अंगमारी रोग, इसमें परिपक्व पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों के किनारे पर होता है, ये परिपक्व पत्तियों के किनारों पर होता है। अगेती अंगमारी रोग तो क्या होता है, नवजात पौधों में होता है, और जो कोणीय अंगमारी रोग है वो परिपक्व जो पत्तियाँ होती हैं उनके किनारों पर होता है। काली भुजा अवस्था, जब शाखा तथा तने में भूरे काले धब्बे प्रकट हों तो भुजा अंगमारी रोग होता है। डोड़ा अवस्था, इस अवस्था में डोड़े पर काले भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। इसका रोग कारक क्या है, जैंथोमोनास एक्जोनोपोडियासी पैथावर मालवेसी एनम। प्रबंधन, शस्य प्रबंधन वो ये सेम है कि अवशेषों को काटकर जला देना चाहिए, उपचारित बीजों का उपयोग करना चाहिए। जैविक प्रबंधन में LDH11, LDH91, बंधनावर 1, सुजाता, कंडवा 2, ये क्या है, प्रतिरोधी किस्में। मतलब ये जो कपास की सारी किस्में हैं वो कपास के जीवाणु अंगमारी रोग के प्रति क्या होती है, प्रतिरोधी होती है। इन किस्म की फसलों का कोई भी प्रभाव इस रोग पे नहीं पड़ता। इसके रासायनिक प्रबंधन क्या है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का उपयोग करना चाहिए और लगाते समय रुई को हटा देना चाहिए। अब भिंडी का पित्तशिरा रोग। यह रोग बुआई के 35 दिन के अंदर प्रकट हो जाता है। यह फसल में 95% तक नुकसान पहुंचाता है। जो भिंडी का पित्तशिरा रोग है वो 35 दिन के अंदर प्रकट होता है और फसल में 95% तक क्या नुकसान कर देता है, ठीक है। लक्षण क्या होते हैं, पत्तियों तथा शिराओं पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं। अगर भिंडी में पित्तशिरा रोग हो गया, देखो पित्तशिरा मतलब पीला, तो पत्तियों पर क्या होता है, पीले धब्बे पड़ जाते हैं। इसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है। अब देखो पत्तियां पीली पड़ गई तो प्रकाश संश्लेषण तो कम तो होगा ही, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है। और ऐसा किसके कारण होता है, तो भिंडी पित्तशिरा मोज़ेक विषाणु के कारण होता है। संचरण, इसका तो संचरण है वो सफ़ेद मक्खी के द्वारा होता है, ठीक है। अब है प्रबंधन, शस्य प्रबंधन, खेत को साफ सुथरा रखना चाहिए, खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए, अवशेषों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए, ठीक है। जैविक प्रबंधन, नींबू की निमोलियों को खेत में डालना चाहिए, नीम के तेल को खेत में डालना चाहिए, नीम की निमोलियों और खेत को क्या करना चाहिए, खेत में डालना चाहिए। प्रतिरोधी किस्में, उभय और पंजाब 7, ये क्या है, इसके प्रति प्रतिरोधी किस्में, तो इनको उपयोग करना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन, डाइमिथ्यूएट व मिथाइल आदि का छिड़काव करना चाहिए। अब है टमाटर का पर्णकुंचन रोग। इसमें संक्रमण अवस्था, यह संक्रमण की 20 दिन के अंदर आ जाती है। ये जो टमाटर का पर्णकुंचन रोग की जो अवस्था होती है संक्रमण के 20 दिन पश्चात आ जाती है। इस रोग को माथाबंदी रोग के नाम से भी जाना जाता है। जो टमाटर का पर्णकुंचन रोग है उसको माथाबंदी के नाम से भी जाना जाता है। लक्षण, पत्तियों का आकार छोटा और कपनुमा दिखाई देता है। अगर टमाटर का पर्णकुंचन रोग हो गया तो पत्तियों का आकार छोटा हो जाएगा और वो कप के नुमा दिखाई देगा, पौधा है वो बौना रह जाएगा, झाड़ियों के रूप में दिखाई देगा, पत्तियां किनारों पे से पीली पड़ जाती हैं, ठीक है। रोग कारक क्या है इसका, टमाटर पीले पित्त रंग विषाणु। संचरण, इसका संचरण भी किसके द्वारा होता है, सफ़ेद मक्खी के द्वारा होता है।
शस्य प्रबंधन, अवशेषों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए, उपचारित बीजों को चुनाव करना चाहिए। जैविक प्रबंधन, अर्का रक्षक, अर्का सम्राट, अर्का नन्या। रासायनिक प्रबंधन, मिथाइल डाइमेटोन व डाई मिथ्योइड का छिड़काव करना चाहिए। टमाटर का अगेती झुलसा रोग, इस पर हल्के भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर पड़ जाते हैं। टमाटर का अगेती झुलसा रोग होगा तो इसके कारण क्या होगा, हल्के भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर पड़ जाते हैं जो गोल व कोणीय होते हैं। इसके धब्बे सेकेंडरी लाइनों में दिखाई देते हैं। रोगजनक क्या है इसका, ऑल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा होता है। और ऑल्टरनेरिया सोलेनाई क्या है, ये कवक। तो ये जो रोग है टमाटर का अगेती झुलसा रोग, वो कवक के द्वारा होता है और कवक का नाम है ऑल्टरनेरिया सोलेनाई। प्रबंधन क्या है, पहले शस्य प्रबंधन, अवशेषों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए और गर्मियों में गहरी जुताई करनी चाहिए। जैविक प्रबंधन, प्रतिरोधी किस्में अर्का सम्राट, अर्का रक्षक। और रासायनिक प्रबंधन, इसमें मैनकाजेब व कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आदि का छिड़काव करना चाहिए। हमारे यहाँ पे खरीफ के रोग ख़त्म हो गए हैं। आशा करती हूँ मैं आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने रबी के रोग पढ़ लिए, अब हम रबी की फसलों में जो रोग लगते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि गेहूँ, गेहूँ एक रबी की फसल है और इसमें रोग क्या लगता है, गेहूँ का काला या स्तंभरोली रोग। यह रोग भारत में नवंबर महीने में दिखाई देता है। लक्षण क्या होते हैं, इस रोग के लक्षण पहले तने पर, फिर पर्व संधि पर तथा फिर पत्तियों के नीचे दिखाई देते हैं। जो गेहूं का काला या स्तंभरोली रोग है उसमें सबसे पहले जो इसके लक्षण होते हैं वो तने पर दिखते हैं, फिर पर्व संधि पर दिखते हैं, फिर पत्तियों के नीचे दिखाई देते हैं। यह लंबे समांतर रूप में प्रकट होते हैं। यह रोग से स्पॉट बनते हैं। अगर गेहूं में है ना काला या स्तंभरोली रोग हो जाएगा तो इससे स्पॉट बनेंगे। गेहूं के तने पर स्पॉट यूरेडियम के होते हैं, इसमें झिल्ली नष्ट हो जाती है। इसमें जो स्पॉट बनते हैं ना वो यूरेडियम के होते हैं, जिसके कारण जो झिल्ली होती है वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। यह स्पॉट कुछ समय के पश्चात काले हो जाते हैं। जो गेहूं पे जो स्पॉट बनते हैं ना यूरेडियम के, वो थोड़े टाइम के बाद है ना काले हो जाते हैं। रोगजनक क्या है इसका, पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई। अब यह रोगजनक के लक्षण, तो यह विकल्पी बहुरूपी कवक होता है। जो पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई है वो एक विकल्पी और बहुरूपी कवक होता है। इसका जीवन काल में 5 जीवाणु बनते हैं। क्या होता है, टीलियो बीजाणु, यूरिडियो बीजाणु, बैसिडियो बीजाणु, पक्सिनियो स्पोरो बीजाणु और इसिनियो बीजाणु। अब हम एक एक बीजाणु के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है यूरिडियो बीजाणु। यह एक कोशिकीय अंडाकार विकेंद्रीय होते हैं, द्विकेंद्रकीय होते हैं। इसकी बाह्य झिल्ली पर लघु सूख पाए जाते हैं। जो यूरिडियम बीजाणु होता है उसकी जो बाह्य झिल्ली होती है उस पर लघु सूख पाए जाते हैं। इसके चार ओर जनन छिद्र पाए जाते हैं। टीलियो बीजाणु में क्या होता है, यह द्विकोशिकीय व बहुकोशिकीय होता है। इसका रंग अखरोट के समान होता है। जो टीलियो बीजाणु होता है उसका रंग अखरोट के समान होता है। बैसिडियो बीजाणु, यह एक कोशिकीय एगुणित होता है, यह परपोषी होते हैं। पक्सिनियो स्पोरो बीजाणु, यह एक केंद्रकीय पट्टयुक्त होते हैं। यह 3 से 4 दिन में अपनी संरचना बनाते हैं। जो पक्सिनियो स्पोरो बीजाणु हैं उनको अपनी संरचना बनाने के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं। ईसियो बीजाणु, यह केंद्रकीय वे पट्टयुक्त होते हैं। इसके बीजाणु श्रृंखला में पाए जाते हैं। रोग चक्र, यह रोग पहाड़ी व ऊंचे स्थानों पर व ग्रीष्मकालीन में बोए जाने वाली फसलों पर कवक जनित रहता है। इसके सभी बीजाणु प्राथमिक निवेश की तरह कार्य करते हैं तथा गेहूं को संक्रमित करते हैं। प्रबंधन, अगर ये जो रोग है गेहूं का काला या स्तंभरोली रोग, अगर ये गेहूं में हो गया तो हमें क्या प्रबंधन करने चाहिए। तो पहले शस्य प्रबंधन करने चाहिए कि जल्दी पकने वाली किस्मों को उपयोग करना चाहिए, संतुलित सिंचाई करनी चाहिए ताकि संतुलित उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। जैविक प्रबंधन में क्या पढ़ते हैं, प्रतिरोधी किस्में पढ़ते हैं कि HS 375, HS 456, HS 460, ऐसी इसकी क्या प्रतिरोधी किस्मों को उपयोग करना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन, ट्राई एडिमेफोन 0.2% का छिड़काव करना चाहिए तथा ऐसा 7 से 20 दिन के अंतराल में करना चाहिए। ऑक्सी कार्बोक्सिन को उपयोग करना चाहिए। ठीक है,
अगर गेहूं का काले स्थमरोड़ी रोग हो जाए तो इसमें कौन कौन से रसायनों का उपयोग करना चाहिए हमें? ट्राई एडिमेफोन और ऑक्सी कार्बोक्सिन का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब है गेहूं का भूरा या पनकिट रोग, यह भारत में सभी भागों में पाया जाता है। इसका अधिक प्रकोप पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार में होता है। मतलब ये रोग है ना सभी भारत में सभी स्थान पर पाया जाता है, पर पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका प्रकोप अधिक होता है। शरद वर्षा में अधिक फैलता है। अब है इसके लक्षण कि अगर ये रोग हो गया तो इसमें क्या वो पेड़ पे क्या लक्षण प्रकट होंगे? तो इसकी पत्तियों पर छोटे गोलाकार चमकीले नारंगी रंग के यूरेडियम स्पॉट नज़र आएंगे। यह पत्तियों के ऊपरी सतह पर दिखाई देंगे। इसकी फैलने की दर अधिक होती है। इसके स्पॉट भूरे व काले रंग के होते हैं। इसका नाम क्या है? भूरा, गेहूं का भूरा रोग। तो जो स्पॉट होंगे वो भी कैसे होंगे? भूरे रंग के होंगे, ठीक है। रोगजनक पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, यह दो प्रकार के बीजाणु बनाता है, यूरिडो बीजाणु और टीलियो बीजाणु। इनके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। अब है प्रबंधन, शस्य प्रबंधन तना कीट रोग के समान ही किया जाता है। जो तना कीट रोग में जो प्रबंधन करते हैं उसके समान ही इसका प्रबंधन किया जाता है। जैविक प्रबंधन, इसमें भी प्रतिरोधी किस्में बोनी चाहिए। जो हमने इसमें रोली रोग में पढ़ी थी वो गेहूं के काला रोली रोग में, वो इसमें प्रतिरोधी किस्में हैं। रासायनिक प्रबंधन, इसमें सेम ही है रासायनिक प्रबंधन। गेहूं का पीला रोली रोग, यह रोग विश्वव्यापी है। यह पंजाब, गुरदासपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अधिक प्रकट होता है। यह रोली हरदा के नाम से जाना जाता है। जो गेहूं का पीला रोली रोग है उसको हरदा रोली रोग के नाम से भी जाना जाता है। लक्षण, इसके कारण पत्तियों पर छोटे छोटे गोलाकार हल्के पीले रंग के नींबू के समान यूरेडियम बन जाते हैं। अब हमें नाम से पता चल रहा है पीला रोली रोग, तो पीले रंग के क्या होते हैं? इसमें यूरेडियम स्पॉट बन जाते हैं जो कि नींबू के समान होते हैं, ठीक है। रोगजनक क्या है इसका? पक्सिनिया स्टाइफॉर्मिस इसका रोगजनक है। रोग चक्र, ये भारत के ऊंचे स्थानों पर पाए जाते हैं। गेहूं को संक्रमण करता है तथा मैदानी स्थलों में जो गेहूं होते हैं उसको संक्रमित करता है। यह कुछ खरपतवारों को भी नुकसान पहुंचा देता है, जैसे कि एग्रोपाइनोर। इसके कारण गेहूं का जो रोली रोग होता है उसका रोगजनक है पक्सिनिया स्टाइफॉर्मिस। ये क्या करता है? जो एग्रो फॉर्मेशन एक खरपतवार होता है उसको भी नष्ट कर देता है। इसका प्रबंधन, परपोशु को नष्ट कर देना चाहिए। जैविक प्रबंधन क्या है? वही प्रतिरोधी किस्मों को उपयोग करना चाहिए हमें, BL 824, 829, 864 इन सब का। रासायनिक प्रबंधन, ऑक्सी कार्बोक्सिन का 2% छिड़काव करना चाहिए। अब देखो, ये जो हमने तीन रोग पढ़े थे, गेहूं का रोली रोग, काला रोली रोग, भूरा रोली रोग और पीला रोली रोग, इसमें हम है ना एक जैसे किस्मों को उपयोग कर सकते हैं। जो प्रतिरोधी किस्में उन सबका एक जैसे किस्मों को उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले क्या पढ़ा था, ये HS 375, HS 456, HS 460, तो इनको हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला है गेहूं का अनावृत छिद्राखंड रोग, यह भारत के अधिकांश क्षेत्र में पाया जाता है तथा इसे भारत में कंजियारी, केजुआ, कायजमा आदि के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब जो गेहूं का अनावृत खंड रोग है उसको कंजियारी, केजुआ और कायरमा इन नाम से भी इनको जानते हैं। ये अधिकांश पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल में अधिक पाया जाता है। लक्षण, यह रोग बाली में समय पहले प्रकट हो जाते हैं तथा काले काले रंग के चूर्ण बना देते हैं। अगर गेहूं में अनावृत छिद्राखंड रोग हो गया तो जो बाली होती है उसमें काले काले चूर्ण बन जाते हैं, ठीक है। रोगजनक क्या है इसका? ऑस्ट्रेलियोसेजेटम प्रजाति के ट्रिटिसाई से होता है। इसके बीजाणु अंडाकार आकृति के होते हैं। रोग चक्र, इसके रोगजनक दानों के समान पाए जाते हैं तथा यह सर्वप्रथम बालियों को संक्रमित करता है। ये जो होता है, ये जो रोगजनक रोग चक्र क्या करता है इसका, मतलब ये जो रोग होता है सबसे पहले क्या करता है? बालियों को संक्रमित करता है, ठीक है। इसका प्रबंधन, संक्रमित पौधों को एकत्रित करके जला देना चाहिए या मिट्टी में दबा देना चाहिए। अगर कोई भी किसी भी पौधे को ये रोग हो गया तो उन सभी पौधों को एकत्रित कर लेना चाहिए और उनको मिट्टी में दबा देना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं हम? ताकि अन्य फसल पर ये रोग ना लगे। जैविक प्रबंधन, इसमें प्रतिरोधी किस्में, कल्याण सोना, WG 307। रासायनिक प्रबंधन, कार्बोक्सिन को उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जो का आवृत खंड रोग, यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में पाया जाता है। लक्षण, यह रोग सर्वप्रथम बाली में प्रकट होता है। यह वहाँ ज़्यादा संक्रमित होता है जहाँ दाने बनते हैं। मतलब जो का आवृत खंड रोग है वो सबसे पहले कहाँ, मतलब दानों में अधिक होता है ये रोग, ठीक है।
यह रोग बाली के अवशेषी भाग पर भी पाए जाते हैं, जो बाली के जो अवशेषी भाग होते हैं उन पर ये रोग पाए जाते हैं। रोगजनक क्या होते हैं? ऑस्ट्रिलेगो हॉर्डाई, इसका क्या होता है, रोगजनक होता है। इसके बीजाणु गोलाकार व हल्के भूरे रंग के दिखाई देते हैं। रोग चक्र, इसके बीजाणु को खलियान के समय स्वस्थ बीजों को अलग कर व संक्रमित बीजों को अलग कर देना चाहिए। क्या होता है मतलब, जो इसके जब हम बीजाणु की जो खलियान के समय क्या करते हैं, स्वस्थ बीजों को तो हमें अलग कर लेना चाहिए और संक्रमित बीजों को अलग कर लेना चाहिए। जब जो की बुआई की जाए तो यह बीजाणु अंकुरण होना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, प्रबंधन, शस्य प्रबंधन में बुआई में स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए। संक्रमित बीजों या पौधों को लिफाफे में ढककर उखाड़ देना चाहिए। अब देखो, किसी भी फसल में अगर ये रोग हो गया तो उसको हमें क्या, लिफाफे से ढककर हटा देना चाहिए। जैविक प्रबंधन में प्रतिरोधी किस्में तो C-163, BI-13-14, 24-28 इनका उपयोग करना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन, कवकनाशी, ऑक्सीकार्बोक्सिन और कार्बोक्सिन का इसमें उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब है अगला, सरसों का सफ़ेद रोली रोग। सरसों का सफ़ेद रोली रोग सबसे पहले पश्चिम बंगाल में देखा गया। जो ये रोग है सफ़ेद रोली रोग, वो है ना, सबसे पहले पश्चिम बंगाल में देखा गया, राजस्थान में, बिहार, पंजाब, हरियाणा में देखा गया। लक्षण, इसके जो लक्षण होते हैं वो दो प्रकार से प्रकट होते हैं, स्थानीय लक्षण और सर्वांगीय लक्षण। स्थानीय लक्षण में क्या, यह रोग पौधे की तना, पत्ती, पुंज पर सफ़ेद रंग के स्पॉट बना देता है। जो स्थानीय रोग है वो क्या करता है, पौधे की तना, पत्ती पर क्या करता है, ये सफ़ेद रंग के धब्बे बना देता है। इसका नाम ही क्या है, सफ़ेद रोली रोग, तो ये सफ़ेद रंग के धब्बे बना देता है। यह रोग एक ही स्थान पर रहता है। देखो, स्थानीय रोग है ना ये, तो ये जो रोग होता है वो एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, सर्वांगीय रोग, यह अधिकांशतः तने पर देखता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीजों के साथ फैलता है। मतलब स्थानीय रोग तो क्या होता है, एक ही जगह पर रहता है, और जो सर्वांगीय रोग है वो क्या है, सभी जगहों पर सक्रिय रहता है। रोगजनक क्या है इसका, एल्बुंगो कैंडिडा। यह अविकल्पी परजीवी कवक होता है। कौन, एल्बुंगो कैंडिडा के बारे में बता रहे हैं कि यह अविकल्पी परजीवी होता है। इसका कवक जाल पठीन होता है। यह पत्ती के नीचे वाले सिरे पर दिखाई देते हैं। यह 10 डिग्री सेल्सियस पर अधिक फैलता है। जो एल्बुंगो कैंडिडा, अगर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा ना, तो ये रोग अधिक फैलेगा। प्रबंधन, सरसों की बुआई शीघ्र कर देनी चाहिए। रोगग्रस्त पादपों को नष्ट कर देना चाहिए। खरपतवार को हटा देना चाहिए। 3 से 4 वर्ष फसल चक्र अपनाना चाहिए। जैविक प्रबंधन, वही प्रतिरोधी किस्में को उपयोग करना चाहिए। इसकी प्रतिरोधी किस्में कौन सी होती है, क्रांति, TM-20, RK-01, ये सब। रासायनिक प्रबंधन, मैटर रैकरी जेल का उपयोग करना चाहिए बीजों की बुआई से पहले। बीजों की बुआई से पहले हमें क्या करना चाहिए, मैटर रैकरी जेल का उपयोग करना चाहिए। बैंगन का लघुपन रोग। बैंगन का लघुपन रोग श्रीलंका तथा अन्य पड़ोसी देशों में पाया जाता है। भारत में सबसे पहले 1938 में तमिलनाडु में देखा गया। जो बैंगन का लघुपन रोग है उसको भारत में तमिलनाडु में सबसे पहले देखा गया था। यह शैशव अवस्था में प्रकट हो जाते हैं, कि जब जो पौधा होता है वो छोटा रहता है, मतलब जो फसल होती है अभी बोई है, शैशव अवस्था है उसकी, तो ये रोग उसी में प्रकट हो जाते हैं, जिसके कारण पुंज व फल, फूल व फल नहीं आते। अगर वही छोटी अवस्था में प्रकट हो जाएगा तो फूल और फल कहाँ से आएंगे, तो इस रोग के कारण क्या होता है, फूल और फल नहीं आते। बैंगन में यह 99% तक हानि पहुंचा देते हैं। लक्षण, बैंगन की पत्तियां छोटी रह जाती है। इसका नाम क्या, लघुपण, लघु मतलब छोटी और पण मतलब पत्तियां। तो बैंगन की जो पत्तियां होती है वो छोटी रह जाती है। पत्ते तने से चिपक जाते हैं तथा नुकीले हो जाते हैं। इसमें पूर्व संध्या छोटी रह जाती है। पौधों का आकार छोटा रह जाता है तथा कठोर हो जाता है। रोगजनक, ये फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। जो बैंगन का लघुपन रोग है वो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। प्रबंधन, शस्य प्रबंधन, संक्रमित पौधों को उखाड़ के जला देना चाहिए। खेत या खेत के आसपास के खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। जैविक प्रबंधन, पूसा, मंजरी, गोटा, बनारस, ब्लैक ब्यूटी आदि इसके प्रति प्रतिरोधी किस्में हैं। रासायनिक प्रबंधन, मिथाइल डाइमेटोन का छिड़काव करना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, अब अगला है जीरे का मलानी रोग।
यह जीरे के लिए महत्वपूर्ण रोग माना जाता है। यह राजस्थान में जीरा उत्पादन वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जहाँ जहाँ भी जीरे का उत्पादन होता है, सभी स्थानों पर पाया जाता है। लक्षण क्या होते हैं? यह एक महीने के पौधों में लक्षण प्रकट होते हैं। जो जीरे का मलानी रोग है, उसके लक्षण एक महीने के पौधे पर प्रकट होते हैं। यह रोग पत्तियों के नीचे दिखाई देते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही रोग ऊपर आते हैं तो पत्तियाँ भूरी पड़ जाती है तथा अपनी छाल को ताड़ देती है। पहले ये रोग क्या होते हैं, पत्तियों के नीचे आते हैं, और जैसे ही ये जो रोग है पत्तियों के ऊपर आता है तो पत्तियाँ भूरी पड़ जाती है और अपनी छाल को ताड़ देती है। इसका रोगजनक क्या है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ये विकल्पी मृतोपजीवी होता है। प्रबंधन, शस्य प्रबंधन की फसल चक्र अपनाना चाहिए, ग्रीष्मकालीन जुताई कर देनी चाहिए। जैविक प्रबंधन, प्रतिरोधी किस्में GC4, GC3, RZ23 आदि को उपयोग करना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन, बीजों को कैप्टन तथा थायरम से उपचारित करते हैं, ठीक है। अब है जीरे का छाछय रोग। यह राजस्थान तथा गुजरात में पाया जाता है। जो छाछय रोग है वो राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। ये भारत के उत्पादक क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। लक्षण, पत्तियों की निचली सतहों पर भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तियों पर कवक जाल के समान सफ़ेद बीजाणु बनाता है। यह तने पुष्प व फल को संक्रमित करता है। जो जीरे का छाछय रोग है वो क्या करता है, तने व पुष्प को संक्रमित करता है। रोगजनक क्या है इसका, एडिसाइफी पॉलीगोनी, ठीक है। शस्य प्रबंधन, संक्रमित पौधों को उखाड़ देना चाहिए, वो फसल चक्र अपनाना चाहिए, ठीक है। और जैविक प्रबंधन में प्रतिरोधी किस्में हिसार, माधवी, RNE 305 आदि को उपयोग करना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन, सल्फर धूरी को उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ये हमारे रबी के रोग ख़त्म हो गए। अब हम इसका अगला चैप्टर है कुछ महत्वपूर्ण रोग, जो कि रोग फलों में होते हैं, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। कि पहला है नींबू का कैंकर रोग। यह नींबू का महत्वपूर्ण रोग होता है। इसकी जो उत्पत्ति है भारत में जावा को माना जाता है। भारत में इसे नासूर रोग के नाम से जाना जाता है। जो नींबू का कैंकर रोग है उसको भारत में नासूर रोग के नाम से जाना जाता है, और ये कागजी नींबू को अधिक नुकसान पहुंचाता है। नींबू को एक किस्म होती है कागजी नींबू, तो ये उसको अधिक नुकसान पहुंचाता है। भारत में चीन की गंभीर समस्या कैंकर रोग है। भारत में चीन में जो कैंकर रोग है वो नींबू की गंभीर समस्या है। लक्षण, इस रोग से ग्रसित पत्तों में पुष्प पत्ती, कटार, शाख आदि पर गोलाकार धब्बे दिखाई देते हैं। जो पत्तियाँ हैं, पुष्प है, शाखाएँ हैं, उस पर क्या गोलाकार धब्बे दिखाई देते हैं। इसका रंग भूरा व पीला होता है। जो धब्बे होते हैं उनका रंग भूरा व पीला होता है। इसके धब्बे पहले पत्तियों के निचली सतह पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो इसके धब्बे होते हैं पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देते हैं। यह धब्बे 1 mm से लेकर 1 cm तक होते हैं। रोगजनक, जैंथोमोनास एक्जोनोपोडियेसी। यह रोगजनक 1915 पर पहली बार खोजा गया। मतलब जो इसका रोगजनक है जैंथोमोनास एक्जोनोपोडियेसी, इसको 1915 में सबसे पहले खोजा गया, ठीक है। रोग चक्र, नींबू का कैंकर रोग पुनरावृत्ति दर्शाता है। यह स्वस्थ भागों की ओर बढ़ता रहता है। यह पौधे के अवशेषी भागों पर भी जीवित रहता है। जो पौधे के अवशेषी भाग होते हैं, जैसे कि पत्तियां वगैरह, फसल की कटाई के बाद जो भी अवशेष बच जाते हैं, जो ये रोगजनक होता है उस पर भी जीवित रहता है। यह वातरंधों में अधिक संक्रमित रहता है। यह 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पर अधिक फैलता है। प्रबंधन, शस्य प्रबंधन, इसकी कटाई छटाई करनी चाहिए, जला देना चाहिए, नर्सरी को उच्च स्थान पर लगा देना चाहिए, ठीक है। प्रतिरोधी किस्में कागजी नींबू, SN2, संकर 2, संकरण 4, इसके प्रति प्रतिरोधी किस्में होती हैं। रासायनिक प्रबंधन, लाइम सल्फर का छिड़काव करना चाहिए, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। अब अगला रोग है अमरूद का मलानी रोग। अमरूद का मलानी रोग 1938 में इलाहाबाद में देखा गया। राजस्थान में अमरूद उत्पादन वाले क्षेत्रों में ये देखा जाता है। यह अजमेर क्षेत्र में अधिक देखा जाता है। जो ये अजमेर है वहाँ पे जो ये रोग है अमरूद का मलानी रोग, उसका प्रकोप अधिक होता है। लक्षण, इसकी पत्तियाँ भूरी होकर सिकुड़ जाती हैं। इस रोग से ग्रसित तने पर छाल का विकास नहीं होता। अगर अमरूद का मलानी रोग अगर किसी पेड़ में हो गया तो उसमें क्या होगा, छाल का विकास नहीं होगा, ठीक है। गंभीर संक्रमण के कारण पौधा 1 साल के अंदर नष्ट हो जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में अधिक फैलता है। इसके प्रारंभिक लक्षण छाल के नीचे दिखाई देते हैं, ठीक है।
रोगजनक क्या है इसका? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। प्रबंधन, शस्य प्रबंधन, अवशेषी सूखे भागों को एकत्रित करके जला देना चाहिए, स्वस्थ बागवानी से पौधे लेने चाहिए। जैविक प्रबंधन, प्रतिरोधी किस्मों को उपयोग करना चाहिए, जैसे कि बनारसी, नासिक, वाइट गुआवा, लखनऊ 40, ढोल का सिंध। रासायनिक प्रबंधन, प्रतिरोधी किस्में जैसे कार्बेंडाजिम का घोल के छिड़काव करना चाहिए, थायराम का घोल का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, अब अगला है बेर का छाछिया रोग। ये भारत में बेर की उत्पादकता को कम करता है, इसके कारण अधिकांश फसल नष्ट हो जाती है। अगर बेर का छाछिया रोग हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है, अधिकांश फसल नष्ट हो जाती है। यह सर्वप्रथम कानपुर में देखा गया, जो बेर का छाछिया रोग है उसको सर्वप्रथम कानपुर में देखा गया। लक्षण, बेर छोटे हो रह जाते हैं तथा झड़ने लगते हैं, शाखाओं व टहनियों पर कवक जाल बन जाता है। इसका प्रकोप नवंबर अप्रैल में अधिक होता है। जो बेर का छाछिया रोग है वो नवंबर से अप्रैल में अधिक फैलता है। बेर की पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण दिखाई देते हैं। रोगजनक, आइडियम एरिसाइफॉइड्स। प्रबंधन, शस्य प्रबंधन, सूखी टहनियों को एकत्रित करके जला देना चाहिए। जैविक प्रबंधन, प्रतिरोधी किस्मों को उपयोग करना चाहिए। इसकी प्रतिक्रिया कोई प्रतिरोधी किस्में खोजी नहीं गई है, तो इसमें यही है बस, प्रतिरोधी किस्मों को उपयोग करना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन, सल्फर धुरी को उपयोग करना चाहिए, डाइनोकैप का घोल का छिड़काव करना चाहिए। हमारे सारे रोग जो भी बायो के हैं वो सारे रोग कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।